साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजे का की सच है, की रिजल्ट है ते की आपां करना चाहिए। मैं बहुत वीडियो अपलोड कर चुके हैं साउथ कोरिया दे रिगार्डिंग। सब तो पहले तो मैं थोनू इस वीडियो दे विच मैं एको ही गल कहूंगा, साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई ना करो। मननी करनी तुसी अपनी मर्जी है, तुसी अप्लाई कर सकते हो, मैं थोनू कदे नहीं रोकूंगा। बट मैं थोनू जो सच्चाई है सिर्फ उसे दे बारे ही दसूंगा। दूजी चीज, जो क्लाइंट नू असी रजिस्टर्ड किया हुआ है उन्हां तो असी माफी मंगना चाहते हैं कि उन्हां दी असी एक फाइल एक रजिस्टर्ड किए है, केस रजिस्टर्ड किए है, बट असी उन्हां नू रोकता। देखो सानू कोई असी थोड़ी फाइल रेडी करती, फाइल रेडी करने तो बाद भी असी उन्हें रोकता, उन्होंने कहा कि तुसी हजे ना जाओ, हजे वीजे नहीं आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुसी एटलीस्ट 1 मंथ तो लैके 2 मंथ जिन्ना टाइम भी हो सकता है उस टाइम की वेट करो। चलो कुछ रुके कुछ गए, हुण उस दे विच आपां किसी नू फोर्स नहीं कर सकते। बट देखो नहीं साडी ड्यूटी किसी फाइल रेडी करती, अगले वीजा लगे ना लगे उस असी की लैना है। बट एक इंसानियत के नाम से दसना जरूरी है। जो सच्चाई है कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा एस टाइम 101% वीजा रिजेक्ट हो रहा। स्टार्टिंग दे विच जो ओपन होया सी उस टाइम वीजे दिते हैं इन्होंने, उस दे विच कोई शक नहीं। बट एजेंटा ने की किया, क्लाइंटा ने की किया, ला ला के फेक डाकूमेंट ला ला के फेक कदे की लाता, बैंक स्टेटमेंट बना बना के 5-5, 6-6 लाख रुपये मांग मांग के, जेड़ा कि सिर्फ एक 5-6 हज़ार का काम है। डाकूमेंट रेडी करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करना है, कवरिंग लैटर तो लेंदे नहीं वो। इन्हां दे बारे भी वीडियो बनाऊंगा कि तुसीं डाकूमेंट नूं किवें तैयार कर सकते हो, पेन नाल फिल करने हैं, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं स्पैशल वीडियो बनाऊंगा कि तुसीं एप्लीकेशन फॉर्म किवें फिल करना है, कंसेंट फॉर्म नूं किवें फिल करना है, डिटेल कल्ली कल्ली चीज़ देऊंगा इस दे बारे भी मैं। पर किसी के बारे लोगों उन्हां च ना फसो। सब तो मेन चीज़ मैं दस चुका कि वेट करो। दूजी चीज़ यह है कि किन्ना टाइम वेट करनी चाहिए है, एटलीस्ट 1 to 2 month वेट करनी चाहिए है। हुण आपां शो करते हैं बिजनेस, अपना मेरा बिजनेस है, बिजनेस की NOC दिने, रजिस्ट्रेशन दिने, डॉक्यूमेंट दिने, उस दे विच साइन होए हुए और डॉक्यूमेंट वापस मुड़ी जाते, थोड़े को साइन नहीं होए, थोड़े डॉक्यूमेंट से नेम नहीं लिखा हुआ, उसे डेट नहीं लिखी हुई, कोई गल है असी डेट नहीं लिखी ना, तुसी वीजा रिजेक्ट कर दो। तुसी उन्हां नूं डाकूमेंट दे रहे हैं उसके ते सैन, बंदे का कोई सैन कर रहा है, उसके ते कहणगे सैन ही नहीं सही होए ला, एक बंदा साइन उवें कर रहा, तुसी किवें कह दोगे साइन नहीं सही होए। एक्चुअली अंबैसी भी फ्रस्ट्रेट हुई पई है, सो क्लाइंट तो है गए है, सो हजे रश निकल जाण दो, रश निकल जाण दो, फिर अप्लाई कर दिओ, हजे ना अप्लाई करो। बट तुसी मननी अपनी मर्जी है, करनी अपनी मर्जी है, तुसी जिवें तुहानू सही लगे कर सकते हो। कई दे वीजे रिजेक्ट भी होए ने, दोबारा भी अप्लाई कर रहे ने, दोबारा भी रिजेक्ट हो ही जाते हैं। आस्ट्रेलिया कंट्रिया दे विच, UK कंट्री, एडे कंट्रिया विच ट्रैवल भी बंदा वीजा रिजेक्ट हो ही जाता, तो मैं कहा देखो की कह सकते हैं। हुण एंड ते तां फिर इह सोल्यूशन कर सकते हैं, देखो मेरे कोल टाइम है नहीं जाण दा, बट मैं अपनी फाइल लगा के देख लूं वैसी विच, मैं अपनी फाइल लगाऊंगा वैसी विच, जे मेरा वीजा आ गया तो आप स्टार्ट कर लिया करांगे साउथ कोरिया, अदरवाइज मैं तो साउथ कोरिया का काम ही बंद कर दूं। जिहड़ी वैसी नहीं वीजा दे रही, जदों सारा कुछ डन है, हुण इत्थे कोई बंदा कोई तुहानूं नॉलेज नहीं, प्लाना नहीं, तुहानूं नॉलेज आ, तुसीं कोई एक डाकूमेंट तुसीं मैनूं दिखा दो जिहड़ी चीज़ जेन्यून है। जे 100 दे विचों एक वीजा लग गया तुसीं उहनूं एग्जैजरेट करी जांदे हो, कोई जरूरी नहीं, मैं गरंटी करदा मैं काम छड्ड दूं जे वीजे ना आए, तां मैं अपना अप्लाई करूंगा जो मेरे डाकूमेंट ने मेरे कोल है। ठीक है, जस्ट ट्राई करना, जाना करना मैं कितें नहीं, क्योंकि टाइम है नहीं गा। मेरे चैनल नूं लाइक ते शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। सत श्री अकाल।